हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश सिंह है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे की, जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस या खुशी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई पावर में जाना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के पीछे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, तो वो है हैप्पीनेस। क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम इन चीज़ों में सक्सेसफुल होंगे तो हम खुश होंगे, इनसे हमें खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस जो है ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग इसी के पीछे अपनी ज़िंदगी लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों कि जब आप मिलते हैं इन लोगों से जो कि बड़े सक्सेसफुल पहुंच सिविल सर्वेंट बन गए या टॉप लेवल लीडर बन गए या बहुत करोड़पति बन गए, फिर भी आप देखते हैं कि वो खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं और जब हमको वो चीज़ मिल जाती है उसके बावजूद हम खुश नहीं रह पाते हैं? तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये खुशी होती क्या है, हैप्पीनेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में, और हम कहाँ पे हमसे मात हो जाती है, ये हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये तो हमारे दिमाग की एक सोच है, और साहब हम जो है संतुष्ट अगर रहें तो हम कहीं भी हैप्पी हो सकते हैं। हैप्पीनेस होने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अंदर से खुशी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हैप्पीनेस के बारे में हमारे ग्रंथों में कहा गया है, हैप्पीनेस एक जो है उसको डिफाइन करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो हमारी ज़िंदगी है उसको एक अनुभव धारा कहा गया है। अनुभव एक्सपीरियंस, धारा मतलब स्ट्रीम। आप कल्पना करें कि एक नदी की तरह, जैसे कि एक नदी होता है जो कि बहाव की तरफ जा रही है, और नदी का एक हर जो एक बूंद है वो हर मिनट हर सेकेंड एक नई जगह पर पाया जाता है, एक नए एक्सपीरियंस को देखता है। वैसे जो हमारी ज़िंदगी है, हम हर पल हर मिनट हर दिन एक नया एक्सपीरियंस जो है ज़िंदगी का हमें मिलता है। अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो हम खुश होते हैं, और अगर ये एक्सपीरियंस ख़राब रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के एक्सपीरियंस रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और अगर हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा जो है वो दुख के एक्सपीरियंस हैं तो हम दुखी रहेंगे। तो हमने ये देखा कि जो ज़िंदगी है वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या है? हमारा इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में, एक बाहरी दुनिया के साथ में। इस वजह से अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो न केवल आपको अंदर की तरफ देखना पड़ेगा और अपने अंदर का एक सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आपको बाहर की ज़िंदगी को भी समझना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन साहब आपको जो है आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, आप बहुत बीमार हैं, आपको बुखार है, आपको सर दर्द है, या आपकी फैमिली में आपके बड़े टसल्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको कॉर्नर कर रहे हैं, आप अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपकी कोई भी सक्सेस जो है वो आपको खुशी नहीं दे सकती है। इसी तरह से दोस्तों, मान लिया कि अंदर से आप सब कुछ ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप संतुष्ट भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर की दुनिया में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि आप बॉस के साथ में आपकी ट्यूनिंग नहीं है, आपको रोज़ डांट पड़ती है वहाँ पे, आपको ये डर लगा रहता है कि कब आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आपकी अपनी वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में नहीं पट रही है, आपका जो लड़का है या लड़की है वो सक्सेसफुल नहीं, एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहा है, ड्रग एडिक्ट हो गया है, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी अलग से हम एक ज़िंदगी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत से लोगों के साथ जुड़ी रहती है, और इसीलिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर भी विजय पानी है और दुनिया के ऊपर भी विजय पानी है, और जब तक ये दोनों चीज़ों को हम नहीं पाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। जब हम खुश होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं, ये ना देखें कि दुनिया किस तरीके से खुश होना चाहती है, हमें क्या पसंद है। क्या हमें लिखने से खुशी मिलती है? क्या हमें पढ़ने से खुशी मिलती है? क्या हमें आराम करना अच्छा लगता है? क्या हमें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है? क्या हमें कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा है? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने को जानें, और किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ये आप जाने। कई लोग होंगे जिनको कि पार्टी में जाके बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी में जाके बोर हो जाते हैं। कई लोगों के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर ये है कि उनको पढ़ने को कहा जाए, कई लोगों के लिए सबसे बड़ा एंजॉयमेंट का सोर्स ये है कि उनको पढ़ने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें अंदर देखना होगा कि हम क्या चाहते हैं, और ये जब तक आप नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप खुश नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लाइफ का एस्पेक्ट है वो ये है
कि बाहरी दुनिया से जो है जो हमारा इंटरेक्शन होता है उसमें भी हमें सफलता पानी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक लिखा लेकिन दुनिया को पसंद नहीं है, कोई उसको पसंद नहीं करता, तो हमें एज अ राइटर कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम एक गाना गाते हैं लोगों को पसंद नहीं आता, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमें यह भी देखना है कि जो दुनिया क्या चाहती है और दुनिया के साथ हमारा इंटरेक्शन है वो भी बड़ा पॉजिटिव रहे। अब आपको अपने, जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों का भी ध्यान रखना है कि बच्चे आपके पढ़ें लिखें, अच्छी जगह पहुंचें, क्योंकि वो जिस दिन दुखी होंगे उस दिन आप भी दुखी हो जाएंगे। उसी तरह आपकी पत्नी है, आपके बॉसेस को आपको समझना जरूरी है, और बॉसेस जैसा चाहते हैं उस तरीके से आप काम परफॉर्म कर पाएं, आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसा चाहती हैं आप उस तरीके से काम कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसको कंबाइंड करेंगे और दुनिया, बाहरी दुनिया पर भी विजय प्राप्त करेंगे, तभी जो है आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो अच्छे होंगे। क्योंकि ये आप सिर्फ अंदर से खुशी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चाहे आप हिमालय पे भी चले जाएं तब भी आपको कहीं ना कहीं बाहर के दुनिया से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, खाने के लिए, पीने के लिए, मौसम के लिए, बिजली के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको बाहर के दुनिया से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और वो एक्सपीरियंसेस भी पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये देखा कि जिंदगी जो हमारी है वो एक अनुभव धारा है, और हमारे जो अच्छे अनुभव हैं उसी से हमको खुशी मिलती है। और हम जिंदगी में अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो अच्छे अनुभवों को बढ़ाना होगा और बुरे अनुभवों को कम करना होगा, और ये हम तब कर सकते हैं जबकि हम अपने ऊपर विजय पाएं और उसी तरीके से दुनिया के जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं उसमें भी हमको सफलता मिले, उसमें भी हम विजय पाएं। और जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तब हमारे एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं, हमारे अनुभव बहुत अच्छे रहते हैं और हम खुशी का अनुभव करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर से ये समझ गए होंगे कि जो लोग कहते हैं कि साहब ये सिर्फ संतुष्टि से खुशी मिल सकती है या साहब अंदर से आप खुशी क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि जब तक आप अंदर की खुशी और बाहर के एक्सपीरियंसेस दोनों को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो कृपया आप इसे अपना कमेंट दें, शेयर करें और हमें अवगत कराएं कि हम इसको कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।